नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल tutor.com पे। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जल्दी से इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अगर कोई भी एक एक्स रैशनल नंबर आपको गिवन है तो आप उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर इस एक्स रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, मतलब एक पॉइंट आने पर रुक जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा जो q के फैक्टर्स होंगे वो आप इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, 2 raised to power m into 5 raised to power n, जहाँ पे m और n हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब इसी का कन्वर्स उल्टा लेकर चलते हैं कि अगर x p upon q की फॉर्म में है और एक रैशनल नंबर है, सच दैट q को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 raised to power m और 5 raised to power n की फॉर्म में, तो डेसिमल एक्सपेंशन x का जो होगा वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अगर x p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ और वह एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स हैं q के वो 2 raised to power m और 5 raised to power n की फॉर्म में नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग होगा। इसके बारे में देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। क्वेश्चन 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको क्या करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन चेक करे बिना ही हमें ये पता लगाना है कि जो भी हमें नंबर्स गिवन है वो क्या टर्मिनेट करेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्यू, पी अपॉन क्यू है ये, ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर देखना है कि क्या वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, फिर आप क्यू के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर 2 raised to power m और 5 raised to power n की फॉर्म में होंगे, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ध्यान रखें, अगर 2 और 5 में से कोई एक भी आता है तो भी वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद नंबर को कैंसिल कर देंगे। तो 987/105 00, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स को 3 × 7 × 47, अगर आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 raised to power 2 × 3 raised to power 1 × 5 raised to power 3 × 7 raised to power 1। अब देखो, 3 को कैंसिल कर सकते हो और 7 को कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास क्या आया, 47/2 raised to power 2 × 5 raised to power 3। अब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर देखें वो किसकी फॉर्म में है, 2 raised to power m और 5 raised to power n की फॉर्म में, इसका मतलब हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 5 के जो पावर्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, और हाईएस्ट पावर से हम उसको हाईएस्ट पावर के इक्वल बनाते हैं अगर सेम नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट नंबर 2 और 3 में से क्या है, 3, तो मतलब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और 2 चाहिए हमें, क्योंकि हम नीचे एक और 2 ऐड कर रहे हैं तो ऊपर भी एक और 2 होना चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 47 × 2 क्या हो गया, 94, और ये हो जाएगा 2 raised to power 3 × 5 raised to power 3, 2 × 5 क्या होता है, 10, तो ये क्या हो गया, 10 raised to power 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 94/1000 विच इज इक्वल टू 0.094। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, 83/455, अभी कैंसिल नहीं हो सकता। अब इसके 455 के फैक्टर्स लिखेंगे, 5 × 7 × 13, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है उसके पास प्राइम फैक्टर्स 2 raised to power m और 5 raised to power n के अलावा भी है, यहाँ पे 2 नहीं है कोई बात नहीं, बट 5 के साथ 7 और 13 भी आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 चाहिए, तो ये रैशनल नंबर का क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसके लिए हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 13/3125 को हम लिख सकते हैं 5 raised to power 5। अब यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं है तो वो 2 raised to power 0 होगा, क्योंकि एनीथिंग रेस्ट टू पर 0 इज 1, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स है वो किसकी फॉर्म में, 2 raised to power m × 5 raised to power n की फॉर्म में, तो गिवन रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। अब इसकी पार्ट्स को सेम बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, और जो पार होनी चाहिए वो हाईएस्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, तो हमें 2 raised to power 5 से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी। तो 13 × 2 raised to power 5 कितना हो जाएगा, 416, और ये 2 × 5 हो गया 10, 10 raised to power 5, तो आंसर क्या आ गया, 0.00416। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि बताओ टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, वो आपको पता चल गया। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है कि कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब आपको पता है कि वो टर्मिनेट करेगा बट हमें ये निकालना है कि कितने प्लेसेस के बाद करेगा। उसके लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 raised to power 4 × 2, ठीक है,
अब पावर सेम नहीं है, हमें पावर को सेम बनाना है, तो मतलब हमें कितने टू यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एक है, हमें फोर कर लेने हैं, तो इसका मतलब हमें टू रेस्ट पर थ्री चाहिए, तो हम उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी, तो वो टू रेस्ट पर फोर हो जाएगा इंटू टू रेस्ट पर थ्री, टू रेस्ट पर थ्री क्या हो गया आपका एट, फाइव इंटू टू हो गया टेन, टेन रेस्ट पर फोर। अब आप इसको 14587 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 116696 और अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4, ये कितना हो गया आपका 11.6696। इसका मतलब कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेगा वो, 4 डेसिमल के बाद। ठीक है, आप ये कैसे फाइंड कर सकते, एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन आता है, तीन टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है इस टॉपिक से। A rational number in its decimal expansion is 43.12345678 9. What can you say about the prime factors of q? क्योंकि ये हमें दे रखा है कि ये rational number जो है हमारा, इसका decimal expansion ये है, इसका मतलब terminating है, तो इसके q के बारे में आप क्या कह सकते हो? Short form में आपको बता देती हूँ, shortcut, अगर ये question one mark का आता है तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ये terminating है, terminating के number देख के पता चल रहा है। अगर हमें पता है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स जो क्यू के होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, टू रेस्ट पर एम और फाइव रेस्ट पर एम। तो अगर ये क्वेश्चन एक नंबर का आता है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि सिंस अ गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ टू रेस्ट पर एम इंटू फाइव रेस्ट पर एन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मान लो टू मार्क्स का आ जाए तो आपको प्रूव करना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका डेसिमल हटाओगे और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखोगे। जब डेसिमल हटाओगे तो नाइन जीरोज आ जाएंगे, दैट मीन्स टेन रेस्ट पर नाइन आ गया। टेन के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें तो ये प्रूफ करना ना, हमें तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं क्यू के, सो टेन की जगह हम लिख देंगे टू इंटू फाइव होल रेस्ट पर नाइन। इसका मतलब क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किसकी फॉर्म में, टू रेस्ट पर एम इंटू फाइव रेस्ट पर एन। तो तीन टाइप के क्वेश्चन है इस टॉपिक में से, फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा रैशनल नंबर का, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उस q जो होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, टू रेस्ट पर m इंटू फाइव रेस्ट पर n, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो q टू रेस्ट पर m इंटू फाइव रेस्ट पर n की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अगर या तो आपको गिवन होगा कि टर्मिनेटिंग है तो आप कह सकते हो q इस फॉर्म में होगा, या फिर आपको ये गिवन होगा कि q टू रेस्ट पर m और फाइव रेस्ट पर n की फॉर्म में है, तो बताओ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। आई होप ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ अपना डाउट हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको मैथ्स और साइंस की बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं साइंस और मैथ्स के टेस्ट मटीरियल के लिए, स्टडी मटीरियल के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को इंग्लिश में पाने के लिए हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।